उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मसला हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर। कल मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद, या कहिए शायद पहला अवसर रहा हो कि राज्य के मुख्यमंत्री ने थाना अध्यक्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद किया प्रदेश भर के। एक बड़ा प्रयोग था अपने किस्म का, अन्यथा पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, इस स्तर पर तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें होती नहीं राज्य में हमेशा कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए, लेकिन ऐसा हो कि जब थानेदार तक, सीधे दरोगा तक, थानेदार तक मुख्यमंत्री बात करें और बड़े हाकिम भी जुड़े हों उसमें, तो एक नया प्रयोग हो जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी योगी आदित्यनाथ को? दरअसल योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल का जो सबसे बड़ा यूएसपी रहा है वो ये रहा है कानून व्यवस्था की स्थिति। अपराध पर निर्णायक प्रहार, ठोस प्रहार, कठोर प्रहार, यही उनकी प्रशासनिक यूएसपी है मुख्यमंत्री की, और यही उनकी राजनीतिक यूएसपी भी है एक बड़ी सीमा तक। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी अपराध की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस छवि को उस पर सवाल खड़े करने के लिए एक स्कोप दिया। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री को ये चीज नापसंद गुजरेगी, और फैसला हुआ कि केवल बड़े अधिकारियों से नहीं, मुख्यमंत्री इंस्पेक्टर लेवल तक के अधिकारियों के साथ एक साथ पूरे प्रदेश से संवाद करेंगे तकनीक के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और कल देर रात वो बैठक हुई, लंबी बैठक चली, तमाम किस्म के प्रेजेंटेशन हुए, तमाम किस्म की बातें आईं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात पर एक बड़ी नाराजगी भी जताई कि भाई घटनाएं जब घट जाती हैं तो बड़े अधिकारी जिस तत्परता से उसमें संज्ञान लेना चाहिए वैसा नहीं लेते हैं। और दूसरा मसला ये कि थानेदारों की जो पोस्टिंग है उसमें केवल और केवल मेरिट को सामने रखा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए यूं तो डीजीपी से चलिए और नीचे सिपाही तक सब हैं जिम्मेदार, लेकिन मूल रूप से माना जाता है कि अगर थानेदार चुस्त है, दुरुस्त है, ईमानदार है, कर्मठ है, तो बहुत सीमा तक अपने थाना क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जब वो स्थिति नहीं होती, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं थाना सुधार लीजिए, सूबा सुधर जाएगा। डीजीपी के दफ्तर में क्रांति करने से सूबे में क्रांति आ जाएगी, ये मैं नहीं मानता। एडीजी के दफ्तर में क्रांति करने से क्रांति आ जाएगी, नहीं मानता। कमिश्नर साहब के दफ्तर में कुछ नए प्रयोग हो जाए, कुछ नई क्रांतियां हो जाए, उससे सुधर जाएगा? नो। मेरा अपना अनुभव बताता है थाना चौकी सुधरेगा तो सूबा सुधरेगा, तो देश सुधरेगा, तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। अब थाना चौकी कौन सुधारेगा? इंस्पेक्टर और दरोगा। उनकी पोस्टिंग में, उनके चयन में, उनके प्रशिक्षण में गुणवत्ता ही एकमात्र कसौटी होनी चाहिए, ना जात, ना बिरादरी, ना पैसा, ना सिफारिश, ना कुछ। जिस दिन ये फॉर्मूला लागू हो गया, उस दिन मान लीजिए अपराध पर एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। एक चीज कल की बैठक में अच्छी आई है, जो मुझे लगा कि हाँ ये होना चाहिए था, महिला थानों को छोड़कर उनके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अभी एक नई व्यवस्था बनाई है कि महिला थानों को छोड़कर हर जिले में एक थाने में महिला थाना अध्यक्ष तैनात की जाए। ये अच्छा है, इससे पुलिस फोर्स में संवेदनशीलता आएगी, एक जेंडर इक्वलिटी आएगी। और बहुत सारे मामलों में हमने देखा, जब पीड़िता आती है थाने, तो वहाँ जब पुरुष थानेदार होता है तो उसके सामने बहुत किस्म के संकोच और संकट होते हैं अपनी बात कहने में, लेकिन अगर महिला थानेदार रहेगी तो उसका एक असर होगा, उसका एक मैसेज होगा।
और महिला पुलिस अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, चाहे वो दरोगा रही हों और चाहे वो DGP रही हों। उनकी कार्यकुशलता पुरुषों से बेहतर रही है, कमतर नहीं, बेहतर। तो इसलिए ये फैसला मुझे अच्छा लगा। पर फिर वही बात घूम कर आती है कि जैसा कल मुख्यमंत्री ने कहा भी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि भाई अगर गड़बड़ की तो पद भी जाएगा और नौकरी भी जाएगी। बहुत सख्त वार्निंग है, लेकिन मैं इससे हटके एक बात कहता हूं, क्या ये संभव है? इसका देखें सरकार में बैठे लोग इस बात का को एग्जामिन करें कि क्या ये संभव है कि झूठी FIR, गलत जांच, पैसा या और दूसरे कारणों के कारण सबूतों के साथ छेड़छाड़, कानून विरुद्ध गिरफ्तारी, इस तरह के जो या जमीन के खाली कराने या कब्जा कराने में सहभागिता, इस तरह के कामों में अगर पुलिस के लोग कहीं किसी स्तर पर मुलब्बिस पाए जाएं, संलिप्त पाए जाएं, तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से निर्णायक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी जरूरी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ पुलिस फोर्स के लिए जरूरी है कि इस व्यवस्था को प्रभावी क्रियान्वयन मिले। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर पता लगता है कि पुलिस की सहभागिता से फर्जी FIR लिख के किसी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उससे कुछ दूसरे किस्म के फेवर की डिमांड की गई, तो उसमें जितने सिपाही से लेके और यहाँ दरोगा तक जो भी इन्वॉल्व हो, थानेदार तक, जो ऊपर से हो तक, उसको तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करिए, जेल भेजिए। मतलब ऐसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर हो जाए। ये भी मुझे लगता है कि अब बहुत जरूरी है। जब तक फोर्स समाज में कानून के राज की स्थापना के लिए पुलिस है, और पुलिस फोर्स के भीतर कानून के राज की स्थापना के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, विधान नहीं होना चाहिए? वहां भी इसी समाज से निकल के लोग जा रहे हैं, तमाम तरीके के प्रलोभन है, तमाम तरीके के छल छदमा है। निचले स्तर पर थानों में और चौकियों में ये समस्या है। आम आदमी से पूछिए तो वो ज्यादा बेहतर तस्वीर बताता है, ज्यादा ईमानदारी के साथ तस्वीर बताता है कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो ऐसे मामलों में मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णायक पहल होनी चाहिए। उनके दफ्तर में कोई प्रकोष्ठ खुले, कुछ हो, उसमें कुछ ढंग की चीज़ें हों कि भाई उनके खिलाफ शिकायत वहाँ की जा सकती है, पुलिस के कर्मचारियों के अधिकारियों के खिलाफ, और एक कोई मैकेनिज्म बने जो समयबद्ध ढंग से उनको सजा दिलवा पाए, ताकि एक तो इससे दो बातें होंगी, जो ईमानदार पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, दूसरा जिनके मन में कुछ गड़बड़ करने की इच्छा अभी जन्म ले रही है, आलोड़न हो रहा है जिनके मन में कुछ गड़बड़ करने का, वो लोग डर जाएंगे पुलिस के। ये करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि गांव गांव, शहर शहर कानून का राज स्थापित हो। और दूसरा जो एक बीट सिस्टम था पुलिस का निचले स्तर पर, उसकी बहाली होनी चाहिए पूरे प्रदेश में, ताकि सूचना का तंत्र मजबूत हो सके और जनता और पुलिस की निचली इकाई के बीच में एक सीधा रिश्ता हो बिना किसी व्यवधान के। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस सख्ती का ज़मीन पर कितना असर दिख रहा है, और चौकी से लेकर थाना और थाने से लेकर DGP का दफ्तर तक, उसमें कितना और कहाँ तक सुधार देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।